यूपी के कानपुर सेंट्रल स्थित जीआरपी के 3 सिपाहियों को एडीजी के आदेश पर निलंबित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी तीनों सिपाहियों ने 9 लोगों को लखनऊ के एक होटल से पकड़कर 3 लाख रुपए की वसूली की थी। वहीं फरवरी में हुए इस मामले में सीओ जांच कर रहे थे, जहां जांच रिपोर्ट के आधार पर तीनों सिपाहियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उनको निलंबित कर दिया गया है। नहीं देखिए, ये 11 जनवरी की घटना है। एक सीनियर अफसर के आदेश पे मैं एक जांच कर रहा था, उसमें एक क्रिमिनल था, उसका नंबर सुना जा रहा था। उस नंबर को सुनने के दौरान ये जानकारी में तथ्य आया कि कुछ लोगों को लखनऊ से अशोका होटल से अरेस्ट करके या पकड़ के लाया गया है। उसकी जांच जब यहाँ पे डिटेल में की गई तो वो डिटेंशन उनका पाया गया यहाँ पे कानपुर में, और उसी आधार पे मैंने जांच रिपोर्ट दी थी। जांच रिपोर्ट पे आदेश होने के बाद में पुलिस अधीक्षक रेलवे महोदय के आदेश से यहाँ पे मेरे द्वारा एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। तीनों ही कर्मचारी अभियोग पंजीकृत होने से पहले ही यहाँ से रवाना हो चुके थे, उस समय यहाँ पे नियुक्त नहीं थे जिस समय अभियोग पंजीकृत कराया।